हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी बटर मसाला की सब्जी। ये एक वाइट ग्रेवी की बहुत ही यम्मी सी डिश है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है गर्म पानी। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच मगजतरी के बी। इस मगजतरी के बी को हमें तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो के रखना होता है, तो यहाँ पे इसे ढक के हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से भीग जाए। अब यहाँ पे एक पतीले में मैंने पानी लिया है, पानी को गर्म करने के लिए रखा है। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हमें इसमें डालनी है ये मेथी। यहाँ पे मैंने मेथी को अच्छी तरह से वॉश करके चॉप कर लिया है। यहाँ पे आप चाहे तो बिना चॉप करे भी डाल सकते हैं इसे, लेकिन मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने से इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। अब हमें इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक उबालना है गर्म पानी में। ये देखिए अच्छी तरह से उबलने लगी है। बीच बीच में हम इसे ऐसे हिलाते रहेंगे। छह सात मिनट बाद हम स्टव को ऑफ कर लेंगे। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक छन्नी में इस मेथी को निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई में ऑयल। ऑयल को रखेंगे गर्म करने के लिए। अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसको मैंने ऐसे ही बड़े बड़े काट के ही डाल दिया है इसमें। इसके साथ डालेंगे ये बड़ी कटी हुई ऑनियन। यहाँ पे मैंने ये सब कितनी क्वांटिटी में लिया है वो हर एक वीडियो की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये सब्जी वाइट ग्रेवी की है तो इसमें टमाटर नहीं आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑनियन अच्छी तरह से पक चुकी है। अब ऑनियन ठंडा होने के बाद हमें एक से ब्लेंडिंग जार में लेके अच्छी तरह से पीस के स्मूथ पेस्ट बनाना है। स्टव को ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने मगजतरी के बीज को भिगो के रखा था उसको आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इसे एक ले लेंगे एक ब्लेंडिंग जार में, क्योंकि इसे भी हमें पीस के एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू। अब इन दोनों को अच्छी तरह से पीस लेंगे पहले। फिर से उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बटर। बटर मेल्ट हो जाने के बाद सबसे पहले इसमें डालनी है ये 2 इलायची और 1 लौंग। अब डालेंगे इसमें ये ग्रीन चिली। यहाँ पे ग्रीन चिली ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि यहाँ पे रेड चिली बहुत कम इस्तेमाल होती है इस सब्जी में। अब इसमें डालेंगे ये ऑनियन का पेस्ट जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इसको मिक्स करके हमें अच्छी तरह से इसे ढक के पकाना है ताकि इसमें से ऑयल अच्छी तरह से बाहर निकल आए। मिक्स कर लेंगे इसे पहले अच्छी तरह से। अब पैन को कवर करके इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल आया है और ये पेस्ट पैन को चिपकते भी नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम ये जो हमने रेडी करके रखा हुआ था मगजतरी के बी और काजू की पेस्ट, उसको डाल देंगे इसमें।
इसको भी हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है, तो पैन को कर लेंगे कवर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो यहाँ पे मैंने जार में ही ऐसे पानी लेके मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे गिलास जितना पानी इस्तेमाल किया है। इसे मिक्स करके अब हम इस सब्जी को तकरीबन 5-6 मिनट के लिए ऐसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम कर लेंगे पैन को कवर। ये देखिए, ये सब्जी अच्छी तरह से उबल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब्जी के छींटे मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हल्दी पाउडर नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि बिना हल्दी के मैं खाना नहीं बनाती। और अब डालेंगे थोड़ा सा धनिया और जीरे का पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हल्दी पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम गैस को ऑन कर लेंगे। अब जो हमने मेथी को उबाल के रखी हुई थी वो डाल देंगे इसमें। इसको भी इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ये दूध की मलाई। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच जितनी दूध की मलाई ली है। ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सब्जी का जो टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये कसूरी मेथी, इसे ऐसे हाथ में रब करके डालना है। कसूरी मेथी डालना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी रेडीमेड गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये बिना गरम मसाले से ही सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, हमारी सब्जी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे हम स्टोव को ऑफ।